kindly usko ek baar jaye, ek baar go through kare, and then you are done for the task. So I would like to sincerely thank Devkumar sir. And for the mock exercise, we'll get the date when it is. Responsibility responsibility matters when I. It is a care responsibility. हर किसी का माइन्यूटली काइंडली उसको एक बार जाए एक बार वॉशरूम करें एंड देन यू आर डन फॉर द टास्क सो आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक द 13th बटालियन ऑफ एनडीआरएफ व्हिच हैज सीन्स दैट वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू व्हाट हैज टू बी डन एटलीस्ट इन आवर माइंड्स एंड द सेम रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का पैटर्न कैसा होगा नोबडी नोस तो वो तभी होगा जब रिजल्ट of NDRF and SDRF both. So I'd like to thank Rajesh Kisamba and all the senior officers of the district and once again. ये आपको मालूम है कि कभी भी हम लोग डिज़ास्टर को जो है उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब तक हम उसकी प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करें उसके ऊपर जो हमने तैयारी करी है उसके ऊपर ध्यान दें. इसी संदर्भ में आज नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से एनडीआरएफ की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को आज बुलाया गया कि कैसे फ्लड के समय में क्या रिस्पॉन्स देना है किस तरीके से डील करना है और सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी आला अधिकारी थे सभी ने इसमें अपने जो प्रिपेयर्डनेस थी वो बताई. और ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी इसके बाद एक फील्ड लेवल एक्सरसाइज होगी मॉक ड्रिल होगी कि कैसे हमें फ्लड के सिचुएशन में रिएक्ट करना है. और मेरे को लगता है कि किसी भी डिज़ास्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स सेम प्लेटफॉर्म पे रहें और जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से हो ताकि किसी भी फ्लड या किसी भी डिज़ास्टर हम डील कर पाएँ. सर कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से जारी की गई है जनरल पब्लिक के लिए? देखिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम फ्लड के लिए बनाया गया है और जिसके फ़ोन नंबर्स जो हैं आपको बता दिए जाएंगे. इसके अलावा जितने भी आईएमडी की वार्निंग्स हैं वो लगातार शेयर की जाती हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी और मीडिया से भी शेयर की जाती हैं. तो जितने भी लोग हैं आज सबके पास मोबाइल भी है इंटरनेट भी है और सब लोग मीडिया सोशल मीडिया को देखते भी हैं तो कृपया आईएमडी अलर्ट्स का ध्यान रखें. जितने भी लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं या बरसात के टाइम उनको जाने वहाँ पर ना जाएँ. क्लोज मॉनिटर करिए जो भी हिदायतें मिलती हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से उसको प्रायोरिटाइज़ करिए.